बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस मैथ फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 3 कंटिन्यू है। इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.14 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बुक हम शाह जमाल की फॉलो कर रहे हैं। सो हियर द क्वेश्चन 3.14। एट व्हाट रेट रुपीज़ 5000 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी कि रेट हमें फाइंड करना है इसमें। बाकी जो चीज़ें हमारे पास गिवन है डाटा में वो यहाँ सिंपल पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास जो अमाउंट है ये अमाउंट क्या कहलाएगी, और ये जो हमें पता है ये हमारा क्या कहलाएगा, एयर्स क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो 5000 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ क्या लिखे है, लिखा है एट व्हाट रेट रुपीज़ 5000 डबल इटसेल्फ, यानी कि 5000 डबल कह रहे हैं, खुद ब खुद हो जाएंगे कितने, 10 साल में, ठीक है। 10 सालों में 5000 जब डबल होंगे कितने होंगे, 10000, 5000 कितने हो जाएंगे, 10000 हो जाएंगे, ठीक है। डबल कितने हो जाएंगे, 10000 हो जाएंगे। डबल कितने होते हैं, 5000 डबल कितना हो जाएगा, 10000। तो ये हमारे पास 10000 क्या हो जाएगी, इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भी नहीं लिखना, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डबल अमाउंट हो जाएगी। हमने कुछ सोचना है, यहाँ पर डबल लिखा है तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि 5000 डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे तो 10 साल में डबल हो जाएंगे, 5000 डबल कितना हुआ, 10000 हुआ, ठीक है। तो ये 10000 हो गई हमारे पास टोटल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 5000, और एन हमें पता है ये 10 ईयर्स, और हमें रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका रेट फाइंड करते हैं। सो हेयर द फार्मूला, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एन आर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है, इसलिए टोटल अमाउंट वाला फार्मूला है। सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें फार्मूले में, ठीक है ना। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। अब हमें क्या, एन गिवन है 10 और आर नहीं गिवन, तो आर फाइंड करना है। आर को ऐसे ही रहने दें, बाकी यहाँ पर इसका स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। बाकी ये 10000 equals to 5000, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दें अकॉर्डिंग टू बेटमिस रूल। तो ये 10R हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ फिर ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें भी बताया था, यहाँ फिर बता रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट आंसर उसका देखें सेम वैसे ही आ गया जैसे कि पहले मल्टीप्लाई था। तो यानी कि यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड आ जाएंगे, तो ये जो अमाउंट्स है इसको देखेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि देखिए अमाउंट सेम है, इसमें चेंजेस भी हो सकती है। तो ये 10000 है, 10000 यहाँ 5000 है, 5000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा सेम जैसे कि वहाँ पे हुआ था। बाकी ये अगर हम ब्रैकेट में ना भी लिखें तो सही है ये, क्योंकि ये अब ब्रैकेट से ओपन ही हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा था। अब जब यही चीज़ उधर चले गई है 5000, तो ये ब्रैकेट हटा भी दें तो ये हमारे पास देखें बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल यहाँ पर, तो डिवाइड करा उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2, और आगे जो लिखा हुआ है 1 प्लस 10R। अब सबको पता है यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, ये 1 है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। अब ये पता है हमें 1 इक्वल्स टू 10R हो जाएगा। अब यहाँ मैं बाकी का सॉल्व कर देती हूँ, तो इक्वेजन फ्लिप कर देंगे अपनी जैसे कि पहले भी हमने की थी। तो ये हो जाएगा 10R इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आर को सिंगल करेंगे, आर फाइंड करें, इसलिए हमने इक्वेजन भी अपनी फ्लिप की थी, क्या कि आर जो है हमारे पास पहले आ जाए। तो ये 1 है, फिर अपॉन 10 है, 1 है अपॉन 10 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आंसर हमारे पास आएगा इसका 0.1, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 10। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10, तो आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ। 1 को डिवाइड करेंगे 10 से 0.1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका आंसर आ रहा है 10, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आ रहा है 10 आ रहा है। और ये क्या फाइंड कर रहे थे हम, रेट फाइंड कर रहे थे, रेट, और रेट का जब फाइंड करते हैं तो उसको क्या परसेंटेज में होता है, तो इसलिए परसेंटेज में लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर है ये भी सही कहलाएगा, ये आंसर है ये भी सही कहलाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 100 से, फिर ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज लगाना इसका परसेंटेज है, ये आप साइन लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये रेट हमारे पास किस में गिवन होता है, परसेंटेज में गिवन होता है। सो इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है, आंसर है इसका 10%। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।